हेलो मेरे भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। सो बहुत टाइम के बाद ये मेरी सबसे यूनिक वीडियो होने वाली है। ये फूड मैंने खाया बहुत है, पर आपको आज वीडियो में पहली बार दिखाने लेके चल रहा हूँ। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ चौड़ाफड़ी खिलाने। गुजरातियों का सबसे फेवरेट फूड होता है, तो अपने चलते हैं श्रीनाथ चौड़ाफड़ी में। आ जाओ मेरे साथ। तो ये रहे अभी अपने साथ श्रीनाथ चौड़ाफड़ी के ओनर अर्जुन भाई। अर्जुन भाई, ये आपने कब से स्टार्ट किया था? ये मैंने करीबन अभी नया ही टेम्पो लाया है, पहले लारी खड़ी रहती थी अपनी यहाँ। हाँ, 4 साल से करीबन। तो ये टेम्पो अपने रामनवमी के दिन ही शायद ओपनिंग किया है। ओके, और लाइक बोलते हैं लाइक यहाँ की मैंने सुना है ऐसा कि चौड़ाफड़ी कब से बड़ी होती है। और जरूर, और साथ में इसकी चटनी जो है, लाइक चौड़ाफड़ी तो आपको सब जगह एक जैसी मिलेगी, पर जो मेन स्वाद होता है वो चटनी का होता है। हर एरिया में डिफरेंट होती है, और यहाँ की चौड़ाफड़ी का मैंने बहुत बकान सुनी है। और जरूर, जो हर जगह एक रेगुलर चटनी होती है, उसके साथ हम एक लहसुन की चटनी देते हैं। हाँ, जिसमें मिक्स करके खाओ, आपको टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। हाँ, और हमारी जो चौड़ाफड़ी है वो साइज में बड़ी है। हाँ, इसके अंदर आप आराम से चटनी अंदर होल करके चटनी भर के खा सकते हैं। और आई थिंक आपको श्योर के टेस्ट बेस्ट मिलेगा। तो अभी अपने वही जाके अभी अपने टेस्ट करते हैं यहाँ का बेस्ट टेस्ट। तो चले आ जाओ। तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। जो मेन होती है चौड़ाफड़ी में वो चटनी होती है। वाह, अब इसको एक पीस। एकदम स्पाइसी चटनी है इसको। एक बार अंदर डिप इसके अंदर भर के खाएंगे आप। सी एकदम क्रंची, एकदम कुरकुर, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। माइक एकदम पास में मेरे। सबसे बेस्ट मेरे को चटनी लगी। अब इसके अंदर अपने लहसुन की चटनी ऐड करवाते हैं। तो लहसुन की चटनी ऐड हो गई है, ये अब और स्पाइसी लगेगा, और स्पाइसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर होल किया, पहले चटनी मिक्स करी, अब बारी आती है इसको। जिन लोगों को स्पाइसी खाना अच्छा लगता होगा, लहसुन की चटनी के साथ बहुत तेज लगेगा आपको। एकदम ज़्यादा लहसुन का टेस्ट नहीं आएगा, पर जो तीखा लगेगा ना आपको, अंदर जाके ब्लास्ट होगा, नेक्स्ट लेवल। अभी तक लग रहा है। बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने अभी तक मेरे एरिया में खाई थी, तो ये नरोड़ा की पहली है। इसका एड्रेस आपको पूरा अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट आ जाना। अभी इसका बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, एक बार ओनर के साथ वापस बात करके यहाँ का पूरा एड्रेस क्या रेट है वो सब बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मेरा ध्यान पूरा खाने पे है। एक बाइट आप लोगों के लिए भी बनती है, आप लोग इतना प्यार करते हो, तो ये बाइट आप लोगों के लिए। तो अपने ने यहाँ की चौड़ाफड़ी ट्राई कर ली, बहुत अच्छी थी, सबसे क्रंची थी, और साथ में जो मैंने जो लहसुन की चटनी थी बहुत तीखी, मज़ा आ गया उसको खा के। मैंने 2-3 जगह की खाई थी, उनमें लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जा रहा था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसमें जो लहसुन का टेस्ट और जो तीखापन था
बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से पूछ लेते हैं, लाइक मैं तो सही टाइम पे आ गया, तो बाकी लोग को आना है वो कितने बजे है? वो सर यहाँ से 12 बजे चालू होता है बराबर, और शाम की 9 बजे तक रहता है यहाँ। ओके, ये टाइमिंग है यहाँ का, दोपहर के 12 से शाम के 9। यस यस यस। और यहाँ का एड्रेस? एड्रेस है राजचंद्र चौकड़ी, सेल्वी हॉस्पिटल ऑपोजिट, अहमदाबाद, नरोड़ा। नरोड़ा, तो नरोड़ा में लाइक जो नरोड़ा निकोल वाली पब्लिक है वो भाग के आ जाओ। और लाइक जो ये टेम्पो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को, क्योंकि मैंने बाकी सब जगह देखा है वहाँ पे लारी में होता है और आपको लारी में सर्व करके देखते हैं, और भैया की स्पीड निकालने की इतनी सही है ना, लाइक मेरे को इनको बोलना पड़ा थोड़ा स्लो निकालो, वीडियो शूट में दिक्कत आ रही थी, बहुत सही थी। मैं एक और बार आपको इनकी पूरे निकालते हुए स्पीड दिखाऊंगा। मेन बात जो यहाँ की चटनी है वो भी सबसे यूनिक लगी मेरे को, और साथ में जिस तरह से ये उनको रखते हैं, लाइक गर्मियों में ठंडी चटनी खाने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, तो ये भी सेम लाइक उसको पैक करके मस्त ठंडा रखता है, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। और ये जो चटनी आपको दिख रही है वो सारी चटनी इनकी बिक जाती है, तो वो बात मेरे को सबसे अच्छी लगी भैया। और लाइक यहाँ पे आप लोग ज़रूर भाग के आ जाना, इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप टैप करके फटाफट आ सकते हो। तो बस मैं लेता हूँ विदाई, आपने मिलता है और किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।